दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम जी के दर्शन करने पहुंचे रिंकू सिंह वहां जाकर लगे रोने, हो गए भावुक और फिर राम मंदिर के लिए दे दिया इतने करोड़ रुपए का दान और जो कहा दर्शन करने के बाद वो सुनकर आप भी करोगे रिंकू सिंह को सलाम। तो दोस्तों आखिरकार क्या बोले रिंकू सिंह वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी अगर एक सच्चे सनातनी और हिंदू भाई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि 22 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों पर अब लिखा जा चुका है और आपको तो ध्यान ही होगा कि इस पल का इंतजार बेसब्री से भारत के हिंदू देशवासी कर रहे थे। वहीं हम आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर अब तैयार हो चुका है, जहाँ कल 22 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लिया। और इस बीच दोस्तों हम सभी को कई जानी मानी हस्तियां देखने के लिए मिली। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी से लेकर एक से बढ़कर एक सितारे आए हुए थे। लेकिन दोस्तों हर किसी को यही उम्मीद थी कि भारतीय क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को ही न्योता दिया गया है, लेकिन दोस्तों हम सभी गलत थे क्योंकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तो आ नहीं पाए प्रैक्टिस की वजह से, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रिंकू सिंह को भेज दिया था, जहाँ रिंकू सिंह दर्शन करने के बाद काफी खुश नजर आए। इस बीच रिंकू सिंह ने भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद भी लिया और इस बीच उनकी आंखों में से आंसू भी निकलते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रामलला की छवि देखकर रिंकू सिंह काफी ज्यादा भावुक हो गए और यह पल देखने लायक था, जहाँ रिंकू सिंह ने भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के बाद बाहर आकर राम मंदिर में दर्शन करने के ऊपर बड़ा बयान दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रिंकू सिंह का कहना है कि आखिरकार 500 सालों से हमारे हिंदू भाई और बहन, हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर के लिए इतना इंतजार किया, लेकिन आखिरकार वो पल अब आ ही चुका है जब हम सभी प्रभु श्री राम के दर्शन करके काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब पूरा भारत देश गति से आगे बढ़ेगा क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण धरोहर में से एक है। वहीं आगे रिंकू सिंह कहते हैं कि आज मैंने राम जी के दर्शन किए और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ अपनी जिंदगी में पा लिया है। मेरे को राम जी ने काफी कुछ दिया है। मैं एक समय पर ऐसा बल्लेबाज था जो किसी की नजरों में नहीं था, लेकिन भगवान रामचंद्र के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ और मैंने काफी मेहनत भी की, लेकिन जब मुझे कामयाबी नहीं मिल रही थी तब राम जी ने ही मुझे सहारा दिया और मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ। और इसीलिए मैं यहाँ आकर यह ऐलान भी करना चाहता हूँ कि राम मंदिर के लिए मैं अपनी तरफ से जितना भी बन पड़ेगा मैं दूंगा। मेरे को अभी तक IPL से कुल मिलाकर बस 1 करोड़ रुपए ही मिला है, लेकिन मैं अब यह फैसला करता हूँ कि 1 करोड़ रुपए का दान अपनी तरफ से मैं राम मंदिर के लिए देना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर रिंकू सिंह ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि यहाँ जिनके पास हजारों लाखों करोड़ों पड़े हुए हैं वो लोग तो 1 रुपए दान करने का सोचते नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिंकू सिंह ने अपने IPL में मिले 1 करोड़ रुपए को भी दान देने का फैसला करके लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को जीत लिया। हालांकि दोस्तों रिंकू सिंह की स्थिति हम सभी को पता है, वो इतने बड़े परिवार से नहीं आते जहाँ इतनी बड़ी रकम देखी भी जाती हो, लेकिन रिंकू सिंह ने फिर भी इसके बावजूद राम मंदिर के लिए इतना बड़ा दान देकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में अपनी जगह को और भी मजबूत कर लिया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर रिंकू सिंह के साथ सचिन तेंदुलकर और बड़ी बड़ी हस्तियां भी देखने के लिए मिली। यहाँ पर रिंकू सिंह काफी ज्यादा खुश भी नजर आए श्री रामलला के दर्शन कर लेने के बाद। लेकिन अब आप सभी क्या मानते हैं कि रिंकू सिंह ने जो फैसला लिया है राम मंदिर में दान देने का वो सही है उनके लिहाज से या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।